वैज्ञानिकों ने चीन के कुख्यात वेट मार्केट में 18 और खतरनाक वायरस का पता लगाया है जो पालतू पशुओं व मनुष्यों में फैल सकते हैं। माना जाता है कि कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से मनुष्यों तक पहुंचा था, जिसमें अब तक 25.38 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 51 लाख से ज्यादा को जान गंवानी पड़ी है। वैज्ञानिकों ने 1725 जंगली जानवरों का विश्लेषण किया है। ये जानवर 16 प्रजातियों के थे जिनके नमूने देश भर से लिए गए थे। अध्ययन में चीन, अमेरिका, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने ऐसे जानवरों का पता लगाने का दावा किया है जिनका चीन में आमतौर पर शिकार किया जाता है या विदेशी भोजन के रूप में खाया जाता है। इनमें से कुछ को चीन की सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से व्यापार के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नॉनजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के वेटनरी मेडिसिन कॉलेज से जुड़े शोध के लेखक शुओ सू ने कहा है कि स्तनधारियों को संक्रमित करने वाले कुल 71 वायरस पाए गए हैं, जिनमें से 45 का पहली बार पता चला था। इनमें से 18 ऐसे हैं जो पालतू जानवरों और मनुष्यों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। हालांकि टीम को इस दौरान SARS-CoV या SARS-CoV-2 जैसे वायरस नहीं मिले हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन लगातार झूठ फैलाने में लगा हुआ है। इसके लिए वो राजनीतिक बयानों, राज्य द्वारा संचालित समाचार मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। चीन ने हाल ही में कोरोना वायरस के लिए अमेरिका की झींगा मछलियों को दोषी ठहराया था। चीन ने दावा किया था कि 11 नवंबर 2019 को शंघाई में उतरे बोस्टन लैबस्टर के 55 बक्से वाला कार्गो कोरोना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार था। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।